हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स राम राम वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग ट्रेनर थैंक्स अलॉट फॉर ऑल द सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट्स एंड व्यूज आई होप मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छा एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आगे भी इसका एफर्ट जारी रहेगा तो जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे हैं इस चैनल पे और जो लोग वीडियोज रेगुलरली देखते हैं इट्स अ जेन्यून रिक्वेस्ट आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को एंड uh, टेलीग्राम चैनल अगर आप टेलीग्राम ऑपरेट करते हो तो मैं अपडेट्स रोज ही कुछ ना कुछ देता रहता हूँ टेलीग्राम पर जैसे आज भी मैंने बोला था टेलीग्राम पे यू कैन चेकआउट कि सत्रह हजार छह सौ एक बहुत क्रूशल लेवल है शायद पौने बारह के आसपास मैंने ये बात बोली थी और जब वो सत्रह छः सौ जस्ट टच ही किया था या सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी एट के आसपास मुझे जस्ट दिखा था तो मैंने वहां पे लिख दिया था कि सत्रह छः सौ बी अवेयर है ना हमारा लेवल जो है वो ट्रिगर हो सकता है तो मैंने कल की वीडियो में जो बोला था वो ये कहा था कि अगर सत्रह छह सो से ऊपर क्रॉस करता है और एक दस मिनट की प्रॉपर कैंडल बना लेता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है लेकिन सत्रह छ सो ने एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस ही दिखा दिया आज देखिए ट्रिगर्स जब होते हैं तो जो कंडीशन बेसिकली होती है ट्रेडिंग की वो सेटिस्फाई होनी चाहिए सत्रह छह सौ पे आ गया इसका मतलब नहीं हम वहाँ पे क्विकली बाय कर लें सत्रह छः सौ कन्विंसिंगली तोड़े दस मिनट के ऊपर उस ट्रेड करे उस लेवल से तब जाके वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सही टाइम पे क्वेश्चन दिया था टेलीग्राम चैनल पे समझने वाले समझ गए होंगे खैर चलिए कल तो देखिए हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कल है मंथली एक्सपायरी और मैं हमेशा कहता हूँ बारह मंथ में से दस से ग्यारह मंथली एक्सपायरीज हाईली वॉलेटाइल होती हैं कुछ एका दुक्का एक्सपायरीज होती हैं जिन पे बहुत ही लिमिटेड रेंज में दोनों इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं ठीक है तो अब डिस्कशन की स्टार्टिंग करते हैं और मैं पेश करना चाहूँगा थर्टी मिनट का चार्ट निफ्टी फिफ्टी के लिए थोड़ी क्लैरिटी और आएगी उससे ऑल right. तो आज निफ्टी फिफ्टी ने क्या किया है आज निफ्टी फिफ्टी ने एक बाउंस दिया सत्रह छः सौ तक गया उसके बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया है नीचे की तरफ आप ये रेड कैंडल्स देख रहे हैं कंटिन्यूसली लास्ट टू टू एंड हाफ आवर्स में कंटिन्यूस ड्रॉप आया है निफ्टी फिफ्टी में क्लोजिंग जो आई है वो सत्रह चार सौ के आसपास के लेवल की आई है आ, लो, लो जो लगाया है वो सत्रह तीन सौ चौवन का लगाया है तो कल की रेंज बड़ी क्लियर आ रही है निकल के सबसे पहले डाउन साइड का ट्रिगर देना चाहूंगा डाउनसाइड का ट्रिगर देने से पहले एक बार जोन्स को भी देख लिया जाए। ही क्या हालत है बहुत माइनस जीरो पॉइंट टू परसेंट डाउन और एक बार अपना एनएससी का एफ आई आई डेटा भी देख लेते हैं आज का तो ये रहा एन का लोड हो रहा है लोड हो रहा है आ गया भयंकर एफ आई आई पांच हजार करोड़ से ऊपर की सेलिंग क्या ही चल रहा है कल भी साढ़े चार हजार करोड़ की लगभग सेलिंग हुई है एफ आई आई की तरफ से डी आई ने बाई किया है तीन हजार आठ सौ करोड़ बाकी रिटेलर है कल डी आई आई की जो बाइंग थी वो हजार करोड़ के आसपास की थी तो नेट नेट में एफ आई आई डी आई आई को अगर देखा जाए तो सेलिंग ही हुई है एफ आई आई बहुत कड़ाकेदार सेलिंग कर रहे हैं इस समय तो वापस आते हैं एनालिसिस पे डाउ जोन्स कोई बहुत अच्छी पिक्चर हम लोगों को नहीं दे रहा है और डेटा यही कह रहा है एफ का डेटा देखें तो डेटा यही कह रहा है कि नेगेटिविटी है एफ की के माइंड्स में सो so, चलो ट्रिगर्स की बात करते हैं डाउन साइड सो so, ट्रिगर जो आना चाहिए डाउन साइड पे कॉशन जो आना चाहिए अलर्ट जो आना चाहिए आपका वो सत्रह तीन सौ पचास के नीचे आना चाहिए सत्रह तीन सौ पचास के नीचे अगर दस मिनट की कैंडल बनाए ये सत्रह तीन टी वन सत्रह तीन सौ तोड़े तो सत्रह दो सौ पचास टी टू और अगर सत्रह दो सौ पचास भी तोड़ रहा है क्योंकि देखिए सेलिंग आएगी तो पैनिक होगा ठीक है और ऊपर से जो जितने भी राइटर्स हैं वो कपड़े उठा के भागेंगे अपने जितने भी लॉन्ग्स हैं सिस्टम में मंथली एक्सपायरी है तो वो भी अपने उनके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो फटाफट ट्रिगर होते जाएंगे सत्रह दो सौ टी थ्री लेकिन कंडीशन याद रहे ठीक है वही कंडीशन दस 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 मिनट वाली मान लीजिए सत्रह तीन सौ पचास तोड़ रहा है और आपने शॉर्ट कर दिया है तो जैसे मान लीजिए आपने दो लॉट शॉर्ट किया तो आप एक का टारगेट सत्रह तीन सौ रख लीजिए है ना तो सत्रह तीन सौ आया तो एक को आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया फिर आपने वेट किया थोड़ा तो सत्रह तीन सौ से अगर बाउंस लेने लगे तो दूसरा भी कर दीजिए लेकिन सत्रह तीन सौ से अगर नीचे दस मिनट की एक ट्रेडिंग कैंडल बना रहा है तो आप फिर सत्रह ढाई सौ सत्रह दो सौ के टारगेट्स के लिए वेट करिए सिंपल एज दैट ठीक है So, ये हो गए अपने डाउन साइड के ट्रिगर्स अब बात कर लेते हैं अपसाइड की तो अपसाइड का जो लेवल है वो इंटैक्ट है जो कल भी मैंने बोला आज भी मैंने टेलीग्राम पे बोला सत्रह सौ से पहले आपको लॉन्ग नहीं जाना है सत्रह से ऊपर अगर एक दस मिनट की एक भी कैंडल बन गई प्रॉपर बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग सत्रह सात सौ पहला टारगेट सत्रह सात सौ अस्सी दूसरा टारगेट और नहीं देना चाहूंगा इधर दो ही टारगेट अपसाइड पे ओके सो ये हो गए अपसाइड और डाउनसाइड के ट्रिगर्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इन द इंडेक्स निफ्टी फिफ्टी जो लोग चैनल पे नए आए हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस से पहले एक बार रिमाइंड करा दूं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो एनालिसिस मेरा अच्छा लग रहा हो तो बैंक निफ्टी भी एक्सपेक्टेड है कि कल वोलेटाइल रहेगा डाउन साइड का लेवल पहले ट्रिगर देखते हैं आज जो क्लोजिंग आई है वो थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी वन पे आई है लो जो लगाया वो थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी एट का लगाया हाई जो लगाया थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी वन का लगाया ओके okay. पहले डाउन साइड डाउन साइड थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड के नीचे अगर दस मिनट की एक ट्रेडिंग कैंडल बने तो बहुत जल्दी कुछ ही क्षणों में इवन सैतीस हजार देखने को मिलेगा थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड से नीचे दस मिनट ट्रेड करना चाहिए ठीक है और अगर थर्टी सेवन थाउजेंड भी तोड़ेगा तो थर्टी सिक्स एट हंड्रेड पे एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है लेकिन थर्टी सिक्स एट थाउजेंड तक गिर सकता है ठीक है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रिगर है वो थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड है डाउन साइड के लिए आपका ये क्लियर हो गया डाउन साइड का अब आते हैं ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही क्लियर लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड से पहले लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड से ऊपर अगर दस मिनट ट्रेड करता है इन नो टाइम इन नो टाइम यू विल सी थर्टी एट थाउजेंड टारगेट वन थर्टी एट थाउजेंड टू फिफ्टी अगर थर्टी एट थाउजेंड कन्विंसिंगली क्रॉस होता है थर्टी एट टू फिफ्टी का लेवल भी स्क्रीन पे दिख सकता है दिस इज तो ये हो गया पूरा का पूरा ट्वेंटी फाइव नवंबर का मंथली एक्सपायरी का एनालिसिस आई होप निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग इन चीजों को ध्यान में रख के कल अपने ट्रेड्स लेंगे वैसे नए ट्रेडर्स नोवाइस ट्रेडर्स जो हैं उनको एक सजेशन है कि एक्सपायरी डे में डेरिवेटिव में ट्रेड ना करें तो बहुत बेटर रहेगा ऑल राइट चलिए तो जो लोग भी नए आए हैं पहली बार आए हैं प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स अलॉट बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट